आज हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इसी में से एक टॉपिक है शर मीटर, जिसका यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। तो जहां भी करंट मेजर करनी है उसको उस सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है, सीरीज में लगाएंगे तो वो एक्चुअल करंट उसको मेजर करके दे देता है। इसका रेजिस्टेंस भी स्मॉल रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? यदि स्मॉल रेजिस्टेंस है या इक्वल्स टू जीरो है तो यहाँ पे जो करंट मेजर करनी है वो कितनी आएगी, 5 एम्पियर। जो एक्चुअल करंट है सर्किट की वो मेजर करके ये दे देता है। पर मान लो इसका रेजिस्टेंस जीरो ना हो, कुछ वैल्यू है 5 ओम मान सकते हैं। यदि 5 ओम रेजिस्टेंस है इस एमीटर का, तो यहाँ से जो आने वाली करंट है वो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना जाएगा, 2 प्लस 5 7, और ये करंट जो आई डैश है वो आई के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे जो एक्चुअल करंट है वो मेजर नहीं कर पाएगा एमीटर, इसीलिए इस एमीटर का रेजिस्टेंस नियर बाय जीरो या स्मॉल रखा जाता है। आइडियली इसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो प्रैक्टिकली जीरो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए बहुत कम वैल्यू रखी जाती है। यदि इसको किसी एमीटर को एकदम पैरेलल में कनेक्ट करके देखें तो क्या होता है एमीटर में, ये यहाँ पे क्या किया है, इसी सर्किट में एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है। मतलब हमें करंट मेजर करनी है, जो इस सोर्स से करंट आ रही है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है एमीटर में वो बहुत कम है या नियर बाय जीरो है, तो जो हमें पता है कि जो करंट है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ प्रेफर करती है, इसी में फ्लो होती है। तो यहाँ से 2 ओम और 0 ओम के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस कम है, तो ये करंट पूरी की पूरी कहाँ जाना प्रेफर करेगी, इस एमीटर में। तो यदि पूरी करंट एमीटर में जाएगी तो एमीटर बर्न भी हो सकता है। इसीलिए इसी एमीटर को पैरेलल में लगा के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब देखेंगे एमीटर के टाइप्स कितने हैं, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एमीटर हैं, पीएमएमसी टाइप है, एमआई टाइप है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप और रेक्टिफायर टाइप है। आज हम इसमें से एक टॉपिक पढ़ेंगे, पीएमएमसी टाइप एमीटर। परमानेंट मैग्नेट है और एक मूविंग कॉइल है, मतलब इन दोनों के दोनों पे डिपेंड करेगी पीएमएमसी की वर्किंग, ठीक है। तो इसमें पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या होगी पीएमएमसी की। फर्स्ट है इसमें परमानेंट मैग्नेट, जो ये एन और एस पोल दिख रहे हैं वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट के पोल है, ठीक है। इसको इसीलिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है एलिको या एल्कोमैक्स। एलिको या एल्कोमैक्स हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल माने जाते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो फ्लक्स भी उसका हाई होगा, ठीक है। सेकेंड है सिलेंड्रिकल पोल। सिलेंड्रिकल पोल जो यहाँ पे बीच में रखी हुई है ब्लैक कलर में, वो सिलेंड्रिकल पोल है। इसका यूज है कि जो ये एल्यूमिनियम फॉर्मर है उसको बेस प्रोवाइड करवाना और एक रेडियल फील्ड जनरेट करना। रेडियल फील्ड का यूज क्या होगा कि जो फ्लक्स है वो रेडियली डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि पूरे एल्यूमिनियम फॉर्मर को लिंक कर पाए, ठीक है। थर्ड है मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल जो है वो कॉपर की बनाई जाती है और उस एल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर लपेटी जाती है। इसके थ्रू जो भी करंट हमें मेजर करनी है उसको इस कॉपर कॉइल से फ्लो करवाते हैं और उस करंट का इफेक्ट देखते हैं। फोर्थ है एल्यूमिनियम फॉर्मर, जहां पे भी हमने कॉपर कॉइल को लपेटा है वो एल्यूमिनियम फॉर्मर पे लपेटी हुई है, और इसका एक मेन पर्पज होता है एडी करंट प्रोड्यूस करवाना। एडी करंट प्रोड्यूस करवाने का मतलब क्या है, ये हमें डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करवाता है। जैसे हम जानते हैं कि एडी करंट डैम्पिंग में एडी करंट्स का यूज किया जाता है और जो ऑसिलेशंस होते हैं पॉइंटर भी उसको रिड्यूस किया जाता है। तो ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए हमें डैम्पिंग टॉर्क चाहिए और उसका काम कर रहा है यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉर्मर। फिफ्थ है स्प्रिंग। स्प्रिंग का काम क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करवाना। कैसे, जैसे ये फॉर्मर घूमेगा या एल्यूमिनियम फॉर्मर रोटेट करेगा तो स्प्रिंग वापस उसको उसी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से। मतलब यदि ये थीटा एंगल घूमा है तो ये वापस उसी एंगल से थीटा एंगल इसको उधर लाने की कोशिश करेगी और ये इसको कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका काम है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना। अब देखेंगे
कि पीएमएमसी वर्क कैसे करता है, कैसे कार्य काम करता है। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है, उसके अंदर हमने एक कोयल रखी हुई है एल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर। अब जो भी करंट हमें मेजर करनी है वो किसके थ्रू आएगी, यहाँ से लीड के थ्रू कॉपर कोयल में फ्लो होगी। जैसे ही ये कॉपर कोयल में फ्लो होगी तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। वो फोर्स किसके इक्वल होता है, बी इंटू आई एल साइन थीटा। बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ई जो फ्लक्स लाइन है उनकी डेंसिटी कितनी है, एल क्या है लेंथ ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर की लेंथ कितनी आ रही है वो। यदि इन लाइंस के लिए बात करें तो कितनी लेंथ आ रही है, एल लेंथ इसके लिए काम कर रही है, ठीक है। और जो आई है वो जो भी करंट फ्लो हो रही है इस कॉइल में वो। तो यदि फोर्स बी आई एल साइन थीटा है और थीटा यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और जो करंट फ्लो हो रही है उनके बीच का एंगल। तो हम देखते हैं अलग अलग जो साइड है उसमें कहाँ और कितना फोर्स लगेगा। तो यदि ए बी की बात करें तो करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो भी इसी डायरेक्शन में, मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ए बी के लिए थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री। क्यों, क्योंकि करंट भी इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। तो थीटा इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो एफ इक्वल्स टू डी डी आई एल साइन जीरो करते हैं तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और एफ ए बी कितना लगेगा, जीरो। अब यहाँ पे यदि बी सी के लिए देखें तो एफ बी सी के लिए क्या है, करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो फील्ड की डायरेक्शन है वो एन टू एस है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, एफ ए बी BC equals to BIL sin 90 degree। तो sin 90 degree का मतलब क्या होता है, 1, तो BIL ठीक है। क्यों, क्योंकि इस कंडक्टर के लिए कितनी लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, L लेंथ के लिए। तो यहाँ पे L लेंथ है, करंट फ्लो होने वाली कितनी है, I, तो I करंट आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी सेम है। अब यदि CD के लिए बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो तो इसी डायरेक्शन में और जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। यदि 180 डिग्री एंगल है तो साइन 180 डिग्री रखने पे क्या जाएगा, एफ सी डी इक्वल्स टू बी आई एल साइन 180। और हम जानते हैं कि साइन 180 कितना होता है, जीरो। यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, एफ सी डी इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट है एफ ए डी, इस साइड का एरिया हमें पता करना है तो कितना होगा, एफ ए डी, एफ ए डी के लिए जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो तो एन टू एस है और जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो बी की डायरेक्शन ये और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ ए डी इक्वल्स टू बी आई एल साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1, तो एफ ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी आई एल। इस डायरेक्शन में ए बी और सी डी के लिए फोर्स कितना है, जीरो। एफ ए बी और एफ सी डी जीरो, इन साइड में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, पर एफ ए डी और एफ बी सी दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। क्या वैल्यू आई फोर्स की, बी इंटू आई इंटू एल, बी इंटू आई इंटू एल इस फोर्स की वैल्यू जो इन दोनों साइड्स पे लग रही है, पर इनकी डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी किस डायरेक्शन में लग रहा है। उस डायरेक्शन को पता करने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसमें क्या होता है, जो पंप होता है वो तो हमारे
हमारे रोटेशन की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, जो फोर फिंगर होती है वो बताती है फील्ड की डायरेक्शन को, और जो मिडिल फिंगर होती है वो करंट की डायरेक्शन को। तो ये इस साइड में देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। फोर फिंगर किसको बता रही है, फील्ड की डायरेक्शन को, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एन टू एक्स, ये होगी फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन। जो थंब है वो किधर हो रहा है, इनवर्ड, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो पीछे की साइड, उसको पीछे की साइड घुमा रहा है, ठीक है। सेम इसकी ये बात करें तो यहाँ क्या होगा, करंट जो है वो तो हो गई डाउनवर्ड, और फील्ड फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है इनवर्स, और फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसमें फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो इधर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, यहाँ फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये पूरी की पूरी कोई कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज, क्यों, यहाँ पे फोर्स बाहर की तरफ और यहाँ फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो पूरी कोई क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो हमें पता चल जाएगा जो रोटेशन हो रहा है उसका कोई का वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे फ्लेमिंग स्लैब है, उन्होंने क्या कहा, हम जो है वो किसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन को, फोर फिंगर जो है वो बता रही है फील्ड की डायरेक्शन को, और जो मिडिल फिंगर है वो किसको बता रहा है, करंट की डायरेक्शन को। इस तरीके से अपने को फोर्स की डायरेक्शन पता चलती कि एक आउटवर्ड आ रहा है, इनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स मिलके इसको क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से इसमें टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस आती है, ये डिस्टेंस कौन सी होती है, ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन। अब यदि हमें ये लाइन देखनी है कि ये कितनी होगी, हाँ, तो यहां से एल्यूमिनियम फोर में कनेक्टेड है, सिलेंड्रिकल फोर उस पर रखी हुई है, जो आर लेंथ की पता करेगी तो कहां से होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए कहां से, पॉइंट ऑफ एक्शन से। अब जो ये कॉइल रोटेट कर रही है वो किसके लगे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट कर रही है, इस वाली एक्सिस के, ठीक है। तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये कॉइल कितनी दूर है इससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, डी बाई टू, और ये वाली साइड कितनी दूर है, डी बाई टू। तो इसके लिए टॉर्क कितना होगा, इस साइड पे फोर्स कितना लग रहा है, पहले टॉर्क ए डी के लिए प्लस टॉर्क बी सी के लिए, तो टॉर्क ए डी पे कितना लग रहा है, फोर्स ए डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इस एक्सिस से, डी बाई टू, प्लस बी सी के लिए फोर्स कितना है, एंड बी सी इंटू डी बाई टू, क्योंकि इसके लिए भी सेम डिस्टेंस है, डी बाई टू। यहाँ पे फोर्स कितना है दोनों के लिए, डी इंटू आई इंटू एल, तो दोनों पुट करो, बी आई एल इंटू डी बाई टू प्लस बी आई एल डी बाई टू, यदि इसको सम करोगे तो यहाँ आएगा डी आई एल इंटू डी, ये हो गया टॉर्क। अब यहाँ पे यदि एल इंटू डी देखें तो एल इंटू डी क्या होना चाहिए, ये डी है डिस्टेंस और ये कितना है लेंथ एल, यदि एल इंटू डी करें तो इसका एरिया आ जाएगा लूप का, इस कॉइल के लूप का, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू आई इंटू ए, ए क्या है, एरिया ऑफ कोर, या करंट को भी लिख सकते हैं करंट। ये तो हुआ कि यदि एक सिंगल टर्न है कोई भी, तो यदि मान लो मल्टीपल टर्न है, एन टर्न्स है, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या होगा, जो टॉर्क है ये एक कोइल के लिए बी आई ए है, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या होगा, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या जाएगा एन इंटू बी आई ए, या फिर इसको लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू बी आई एन ए, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रखिएगा बिना न्यूटन मीटर। ये तो आने वाला इस कोइल को घुमाने वाला टॉर्क, तो जो कोइल को घुमा रहा है को क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क,
ईडी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टोक। डिफ्लेक्टिंग टोक क्या है, जो भी उस कॉइल को घुमाने के लिए काम आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा हुआ होगा जो स्केल पे रीडिंग दिखा रहा होगा, जो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कर रहा होगा, वो टोक कितना है, ईडी इक्वल्स टू बी आई एन ए। अब जो ये टोक है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि करंट फ्लो होने के कारण ये कॉइल क्या हुई है, रोटेट हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट के कंडक्टर है उसको रखने पे उस पर टॉर्क लग रहा है, तो जो टीडी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ईडी इक्वल्स टू ए बी आई। अब एक हमने यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यूज किए स्प्रिंग्स। स्प्रिंग में क्या था, पहले भी बताया था कि जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो ये स्प्रिंग उसको वापस उसी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आना चाहती है, तो यदि ये थीटा एंगल घुमाए तो ये वापस स्प्रिंग इसको किस एंगल से घुमाएगी, थीटा एंगल से घुमाएगी, तो जो यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो इस एंगल से वो कॉइल घूम रही है उसी एंगल के प्रोपोर्शनल होगा, तो टीसी प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसको लिख सकते हैं टीसी इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को केसी लिखा है, केसी थीटा। अब जब वो पॉइंटर पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है और कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है, ठीक है, जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तब अपने को एक प्रॉपर रीडिंग मिल जाएगी, तो वो इक्वल कब होते हैं, जब स्टेडियस ले जाते हैं उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाता है, जो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और जो कंट्रोलिंग टॉर्क है दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, टीसी इक्वल्स टू टीडी। यदि टीसी इक्वल्स टू टीडी कर रहे हैं तो क्या कितना होगा, टीसी इक्वल्स टू क्या है, केसी थीटा, और टीडी इक्वल्स टू क्या है, एडी आई। इसको क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू एडी बटा केसी इनटू आई, ये तो कांस्टेंट है, तो थीटा प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तो मतलब जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस कॉइल से फ्लो होने वाली करंट के, तो कॉइल से फ्लो होने वाली करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो स्केल है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है करंट के, ठीक है। तो यदि ग्राफ बनाए थीटा और आई के बीच का, तो लीनियर ग्राफ आएगा, क्यों, क्योंकि थीटा प्रोपोर्शनल है इसके आई के, और यहाँ पे थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ